प्रदेश के मुरादाबाद हिंदू कॉलेज में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवक द्वारा महाविद्यालय में फायरिंग की गई। जैसे ही यह खबर महाविद्यालय और पुलिस प्रशासन को लगी तो हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में कोतवाली पुलिस महाविद्यालय पहुंची, जहां पर फायरिंग कर रहे युवक को हिरासत में ले लिया गया है। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही हैं, साथ ही 25 फरवरी को रोहिलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी शुरू होनी हैं, जिसको लेकर महाविद्यालय में तैयारियां की जा रही थी। अचानक सोमवार को महाविद्यालय परिसर में जैसे ही फायरिंग की आवाज हुई तो पूरे महाविद्यालय में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में सभी लोग अपनी कक्षाओं में से निकलकर महाविद्यालय के मैदान में पहुंच गए, जहां पर यह देखा गया कि एक युवक द्वारा फायरिंग की गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस युवक को पकड़कर कोतवाली ले आई। महाविद्यालय के प्राचार्य ब्रजभूषण का कहना है कि फायरिंग की सूचना पर पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद युवक को हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों की माने तो आपसी रंजिश के चलते महाविद्यालय में यह घटना सामने आई है। आरोपी तनवीर ने बताया कि उसे फंसाया गया है वहीं इस मामले में एसपी सिटी अमित कुमार आनंद का कहना है कि पुलिस गिरफ्त में आया युवक तनवीर मुगलपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पकड़ा गया युवक तनवीर हिंदू कॉलेज का पूर्व छात्र है। घटना में इसके साथ दो और युवक शामिल थे। फायरिंग क्यों की गई, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, बाकी दोनों आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सर क्या हुआ था आज कॉलेज में? मैं एक साहित्य कार्यक्रम की वजह से गया हुआ था कॉन्फ्रेंस में, बालाजी अकेडमी में। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मुझे बताया गया फोन के द्वारा कि कॉलेज में किसी व्यक्ति ने फायरिंग की है, तो मैं तुरंत वहाँ से लौटा और यहाँ पर आकर देखा तो मुझे कोई मिला नहीं, क्योंकि पता चला कि पुलिस उसको ले जा चुकी है। सर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? हमारी तरफ से कार्रवाई, हम ये ऐसा नहीं है कि आज ये घटना घटित हो गई इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी एक सामान्य प्रोसेस है कि हमारा जो प्रोक्टल बोर्ड है और मैं स्वयं बराबर कॉलेज का राउंड करते रहते हैं, क्योंकि भारी संख्या में इस समय छात्र छात्राएं आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो पूर्वात्मक परीक्षाएं हैं, मौखिक परीक्षाएं हैं, वो चल रही हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि कॉलेज में सुरक्षा का माहौल बना रहे। आज कितनी परीक्षाएँ थी सर? आज हमारे यहाँ पर रक्षा अध्ययन की प्रैक्टिकल था, भूगोल का प्रैक्टिकल था, और सुबह 9 बजे से हमारे यहाँ पर शारीरिक शिक्षा का प्रैक्टिकल था। तो मैं कॉलेज में 9:15 बजे मौजूद था और अपनी देखरेख में ही सारे प्रैक्टिकल्स मैं करवा रहा हूँ। तो क्या सर कोई विवाद हुआ था छात्रों में? नहीं, विवाद कोई नहीं हुआ जैसा कि मुझे बताया गया, लेकिन फायर की सुनने की आवाज़ है। क्या सर प्रयोगात्मक परीक्षा को डिस्टर्ब करने के लिए भी ये छात्र द्वारा या युवक द्वारा फायर किया गया है? मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ये मान के चलता हूँ कि उनका मंशा क्या रही होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं प्रेस के माध्यम से सभी अभिभावकों छात्र छात्राओं को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रयोगात्मक परीक्षा को या किसी भी प्रकार की जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा और शांति का माहौल बना रहेगा। सर कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं? कॉलेज में मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि जितने कक्ष हमारे यहाँ हैं उन सभी कक्षों में हमारे यहाँ पर 2-2 कैमरे स्थापित हैं और लगभग उनकी संख्या 150 के आसपास रही होगी, और ब्रांडे में भी और कॉलेज का जो प्रांगण है उस सबको कवर करते हुए हमारे यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। और कोई, मैं शायद ही ऐसा कह सकता हूँ, कोई ब्लाइंड स्पॉट होगा, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट शायद कॉलेज फायरिंग करने वाले युवक की पहचान हो पाई कौन है? वो पहचान मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि पुलिस उसको ले गई है पकड़ करके, तो वो पहचान करेगी उसको। क्या घटना सीसीटीवी में कैद हुई है सर? मैं ये मानता हूँ क्योंकि कैमरे काम करते रहते हैं तो घटना उसमें कैद हुई होगी, परंतु इसमें तकनीकी पहलू भी रहता है, क्योंकि हम उनकी रखरखाव भी कराते रहते हैं, लेकिन चूंकि वायरिंग सारी की सारी खुली हुई वायरिंग है तो कहीं पर हो सकता है कि कोई कैमरा गड़बड़ हो, लेकिन फिर भी मैं ये आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि घटना उसमें आई है। सर पुलिस को कोई एप्लीकेशन दी गई है कॉलेज की तरफ से कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है? नहीं, हमने उनको ऐसा नहीं बताया, क्योंकि वो स्वयं आ गए थे अपने संज्ञान लेते हुए। मैंने उनको CO सिटी को भी उनके संज्ञान में फ़ोन से उनको लाया था, और चौकी बुद्ध बाजार के जो प्रभारी हैं उनको भी मैंने सूचना दी थी, तो मेरी सूचना पर वो लोग यहाँ पर थे। सर कोतवाली थाना इलाके में हिंदू डिग्री कॉलेज के अंदर एक फायरिंग का मामला है, क्या है सर पूरा मामला क्या? ये आज दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि हिंदू कॉलेज में एक व्यक्ति तमंचे के साथ घूम रहा है, तो प्राप्त सूचना पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। वहां पे एक लड़के को तमंचे और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। ये मुगलपुरा का रहने वाला है, इसने अपने आप को वहाँ के पूर्व छात्र होना बताया है, इसकी जानकारी की जा रही है। साथ ही ये भी सूचना लोगों द्वारा दी गई कि इसके साथ अन्य 2 लोग भी थे जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी, जिनके बारे में नाम पता भी पता नहीं चल पाया। इन 3 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा लिखा जा चुका है और विधिक कार्रवाई की जा रही है,
इसमें जो ये एक व्यक्ति है, एक तमंचा, दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। सर, कोई वजह फायरिंग की कोई वजह सामने आई है? किस लिए गए थे और क्या करना चाहते थे? किसके ऊपर गोली चलाई है? क्या है? इसने ऐसा बताया था कि मैं पूर्व छात्र हूँ और यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उससे मिलने आया था, बट पूछताछ के दौरान ऐसा अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया जिस छात्र के बारे में बता रहा है। बाकी जानकारी की जा रही है, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कितने राउंड फायरिंग की गई है? ये वहाँ पे आसपास लोगों द्वारा दो राउंड फायरिंग की बात बताई गई है। वहाँ पे आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास के जरिए इस घटना के बारे में अनावरण किया गया। गिरफ्तारी वो ये भी बता रहा है कि लोग मिले, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। बाकी जो भी जांच में आएगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा बताया कि क्लैश था स्टूडेंट्स के बीच, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन बताइए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने? नहीं, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी ऐसी कोई बात नहीं बताई है, ना ही उनके क्लैश के बारे में। अभी तक उनके द्वारा कोई कंप्लेंट सच नहीं दी गई है स्पेसिफिक। बाकी वो लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं और वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी कवर है वो पुलिस द्वारा प्रोवाइड। सर, कॉलेज में सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, क्या उससे कुछ पता चल पाया? अभी सीसीटीवी के बारे में जो भी टेप्स है उसकी जानकारी की जा रही है और जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो घटना स्थल है वो एक ओपन ग्राउंड है, तो वहाँ पे अभी तक उसका कवरेज करने वाला कोई सीसीटीवी नहीं है।